अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, परीशी उमर व्लॉग्स में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी जी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आपको पता है कि आजकल मौसम जो है वो बड़ा ही अच्छा हो रहा है। कभी गर्मी हो जाती है, गर्मी तो वैसे आ गई है ऑलमोस्ट, लेकिन रावलपिंडी में भी बारिशों का मौसम है तो मौसम ठंडा हो जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो यहाँ पर ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो थोड़ी सी ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आप में से किस किस को बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ना कीचड़ वगैरह जब हो जाता है ना तो वो फिर ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वैसे घर में बंदा हो तो फिर इन्जॉयमेंट हो सकती है, और सर्दियों में तो बारिश उफ कमाल हो जाता है ना। कसम से मैं तो जब ये वीडियो बना रही थी ना तो मेरा ये हाल हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ कि तो इतनी सर्दी लग रही थी। खैर के यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े आ गए थे। आप में से किस किस को पकौड़े पसंद है? मैंने कहा चले बारिश का मौसम है तो थोड़ा इन्जॉय कर लिया जाए, तो पकौड़े यहाँ पर बनाए थे तो उसको मैं खा रही थी। और खाने के बाद वैसे सर्दियों में पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा है, बारिश हो सर्दी हो और गर्म चीज़ें वैसी अच्छी लगती हैं। तो चलें जी अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने परीशे के लिए की थी। तो क्योंकि आपको पता है समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और आगे से माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है और ईद भी आ रही है। रमज़ान में तो वैसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कुछ ख़रीदारी करने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग मैंने अपनी और परीशे के लिए स्टार्ट कर दी है। ये तीन समर्स के जो थे वो मैंने इसके रोम्पर्स लिए थे, ठीक है। ये पैक था 3 का, लिटिल डार्लिंग पे ऑफ लगा हुआ था सेल में, तो वहाँ से मैंने ये 2 पैकेट ले लिए थे। तो ऑलमोस्ट ये 6 जो हैं वो रोम्पर्स बन गए थे परीशे के लिए। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोम्पर्स हैं और बड़े प्यारे थे। स्टफ़ पर बड़ा अच्छा है इसका, कम्फर्टेबल है, ईजी रिलैक्स रहेगी परीशे इसमें। और सेकेंड ये बिप भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये समर स्टफ के समर के कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ। और मैंने खाड़ी से ना ये बेडशीट ऑर्डर की थी अपने रूम के लिए ना, और वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा बेडशीट्स अब लग गई हैं न्यू, तो मुझे एक ब्लैक बहुत अच्छी लगी है। अगर मैंने वो ऑर्डर की ना तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने बेडरूम के लिए ली थी ज़रूरत की। तो यहाँ पर जी मैंने अपने गुलतकिए के लिए जो है ना वो कुशन्स मंगवाए थे। ये 2 स्टिच कुशन मैंने मंगवाए थे, ठीक है, मैरून कलर में। ये बड़ा प्यारा स्टफ़ है और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये वैसे किसी इवेंट वगैरह के लिए, आपको पता है ईद वगैरह के लिए तो बंदा ना एक रूम में मतलब कुशन इसमें रख लेता है। और सेकंड मैंने ना घर में इस्तेमाल करने के लिए भी ना अनस्टिच जो है वो कुशन मंगवा लिए थे, उसको मैं स्टिच करवा के इंशाल्लाह आम रूटीन में वो जो है उसको गोलतकिए पे डाल दिया करूँगी, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टफ भी बड़ा अच्छा है, ब्राउन कलर वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, फर्नीचर के साथ मैंने मैच हो गया था। तो चले और ये एक मैंने बिन ली थी अपने रूम के लिए, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने कहा था चलो मैं एक साइड पर ना रूम के इसको रख लूँगी। तो ये पिंक नहीं ब्लू कलर की है, पिंक कलर की तो डिब्बे के बॉक्स पर बनी हुई है। तो ये अच्छी थी, पेडल बिन है और बड़ा इजीली मतलब मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि रूम में आपको तो बाजू बाहर जाना पड़ता है फेंकने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम में एक छोटी सी जो है वो मैं बिन रख लूँ ताकि मैं ईजिली जो है थोड़ा वो जो गार्बेज वगैरह होता है वो उसमें रख लिया करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है इसको देख लीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, ताकि इंशाल्लाह उस तरह का कॉन्टेंट जो है वो नेक्स्ट टाइम अपलोड किया जाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अब तक मैं वीडियो को करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।